सर कई महिलाएं ऐसी होती है जिन्हें इजाजत नहीं मिलती कि वो घर के बाहर जाए, काम करे और पैसे कमाए। उनसे बस ये उम्मीद कर ली जाती है कि वो घर ही संभालेंगी। फेयर पॉइंट। सो तुम ये कहना चाहती हो कि महिलाएं गृहिणी भी होती है और ये भी एक वजह है। तो आप ये मानते हैं ना कि घर संभालना भी एक जरूरी काम है? बिल्कुल। मैं अपने घर के काम कर कर आया, ये कहने से देश की GDP में बढ़ोतरी तो नहीं होगी ना? GDP में बढ़ोतरी होती है सर। ओके, कैन यू एक्सप्लेन हाउ? यस। देखिए, हर सुबह एक औरत ही अपने घर की साफ सफाई करती है। अगर उस काम के लिए वो किसी को नौकरी पर रखे तो गांव हो या शहर, कम से कम 2,000 से 5,000 रुपए की पगार तो देनी ही होगी। और अगर खाने के लिए, नाश्ता पानी के लिए, 3 टाइम के रोटी के लिए किसी को नौकरी पर रखे, कुक को रखे, तो वो भी 5,000 से 10,000 ले लेंगे। अगर घर में बच्चे हो, बच्चे को ट्यूटर की ज़रूरत हो, ट्यूटर रखे, तो 15,000 से 20,000 उनके पकड़ लीजिए। घर पे अगर बड़े बुजुर्ग हैं, उन्हें नर्स की ज़रूरत है या केयर टेकर की ज़रूरत है, तो 15,000 से 20,000 और उनके भी जोड़ लीजिए। तो कई ऐसे काम होते हैं जो सिर्फ औरतें करती हैं सर। अगर इन सारे काम के लिए नौकरी पर किसी को रखे तो 20,000 से 60,000 का खर्चा होगा। टेक्निकली देखा जाए तो औरत इतने पैसे हर महीने बचाती है, और लकीली ये सारे काम के लिए औरतें पैसे नहीं मांगती। और अगर ये सारे काम के लिए औरत पैसे मांगने लग जाए तो आधे से ज़्यादातर मर्द तो सड़क पर आ जाएंगे सर। औरतें ऐसी नहीं होती सर। इनफैक्ट जब वो होती है तब मर्द और बच्चे सुकून से काम पर जा सकते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि घर एक सुरक्षित हाथों में है। सो ये है देश की GDP में महिलाओं का योगदान। और एक और बात, औरतें ये सारे काम बहुत प्यार से करती हैं।